से शब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क का नया गाना नैन फिसल गए रिलीज हो गया है। इस गाने में सलमान और सोनाक्षी की जोड़ी देखने को मिल रही है। इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म में सलमान कैमियो रोल कर रहे हैं। ये फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होगी। सलमान और सोनाक्षी इस गाने में रोमांटिक अंदाज में नजर आए हैं। सोनाक्षी डिजाइनर हैं और दिलजीत दोसांझ उन्हें सलमान को याद कर अपने डिजाइनिंग ड्रेस का नाप लेने को कहते हैं। इस फिल्म में उनके साथ बतौर हीरो दिलजीत दोसांझ काम कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस फिल्म में उनके किरदार को भी खूब पसंद किया गया था। 23 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में उनका गुजराती लड़की का लुक काफी वायरल हो रहा है। फिल्म में सोनाक्षी गुजराती फैशन डिजाइनर जीनल पटेल का रोल निभा रही हैं। बी टाउन में ग्लैमर और चार्म को समेटे हुए ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए अपने लुक में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सुपर 30 के सेट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो एक बेहतर फिल्म की उम्मीदें जगाने वाली हैं। ऋतिक ने खुद को आनंद कुमार की बायोपिक के लिए ऐसे तैयार किया है कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। आनंद कुमार की इस बायोपिक के लिए पिछले दिनों ऋतिक रोशन के फर्स्ट लुक को रिवील किया गया था। ऋतिक के इस लुक ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। खुद आनंद कुमार ऋतिक के लुक्स को देखकर भावुक नजर आए और उन्होंने भी एक्टर के लुक्स को खुद के करीब बताया था। अब जो नई तस्वीरें सेट से सामने आई हैं, यकीनन आप भी उन्हें देखकर ऋतिक की पुरानी सिनेमाई छवि बदल लेंगे। सिक्स पैक एब्स, लहराते हुए बाल, चमकदार स्किन और ग्लैमर से भरे ऋतिक के अब तक के जितने भी अवतार आपने देखे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर आप कुछ देर के लिए ही सही लेकिन भूल जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर ये तो तय है कि ऋतिक की आने वाली फिल्म सुपर 30 उनकी ग्लैमरस इमेज को तोड़ सिनेमा में उनकी एक नई छवि गढ़ने के लिए तैयार है। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित फिल्म टोटल धमाल में अनिल कपूर के साथ नजर आएंगी। इंडस्ट्री में माधुरी के अफेयर्स के किस्से भी कम नहीं थे। उनका नाम को स्टार अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ के साथ भी जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा और भी कई स्टार्स के साथ माधुरी का नाम जुड़ा है, लेकिन उन्होंने किसी को भी तवज्जो नहीं दी। खबरों की माने तो माधुरी क्रिकेटर अजय जडेजा पर फिदा थी, लेकिन जडेजा की एक गलती ने उनका दिल तोड़ दिया था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली माधुरी क्रिकेटर अजय जडेजा पर फिदा थी। एक मैगजीन के लिए फोटोशूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में माधुरी अजय से बेहद इम्प्रेस हो गई थी और खुद को उनकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पाई थी। दोनों के अफेयर के किस्से बी टाउन में चर्चा का विषय बन गए। वहीं डायरेक्टर्स को भी अपनी फिल्म के लिए एक नई जोड़ी मिलने की आस लगी। माधुरी की सिफारिश पर एक प्रोड्यूसर ने अजय को फिल्म में लेने का ऐलान तक कर दिया था। माधुरी से जुड़ने का असर जडेजा के खेल पर दिखने लगा। मीडिया में दोनों के अफेयर्स के किस्से आने लगे, लेकिन जडेजा की फैमिली को ये बात रास नहीं आई। फैमिली के दबाव में आकर अजय ने खेल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद जडेजा का नाम अजरुद्दीन के साथ मैच फिक्सिंग में आ गया। इस खबर से माधुरी का दिल टूट गया और उन्होंने जडेजा से दूरी बना ली। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।